दोस्तों आज इसकी सर्विसिंग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया इसका ऑयल चेंज नहीं किया अपन ने, तो आज इसका ऑयल चेंज कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा बोल्ट खोलना पड़ता है ऑयल का। उसको ये ऑयल बोल्ट होता है, देखो दोस्तों ये बिल्कुल गंदा हो गया ये ऑयल, ये देखो आप इसमें बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है ये ऑयल। दोस्तों आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा, करीब 6-7 महीने हो गए मेरे ख्याल से जब से ऑयल चेंज नहीं किया इसका मैंने। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पूरा ऑयल नहीं निकला इसका, तो मैं थोड़ा बंद कर दे रहा हूँ। दोस्तों इसमें ये डीजल है ना, पहले घोंसलेट डालता था, घोंसलेट नहीं है तो ये डीजल डाल रहा हूँ उस पर। देखो दोस्तों ये उसने अपन डीजल डाला था, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे अपन। करीब आधा लीटर समथिंग हो गया डीजल और आधा लीटर समथिंग ऑयल, और इसको दोस्तों इंजन को अपन जो स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। से क्या होता है दोस्तों, जितनी भी इंजन की एमरी रहती है कचरा वगैरह वो सब नीचे चला जाएगा, धुल के पूरी बैरिंग साफ हो जाएंगी। और मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ साफ। दोस्तों आप इंजन की स्टार्टिंग देखना कितनी प्यारी है, मेरे हिसाब से किसी भी इंजन की ऐसी स्टार्टिंग नहीं होती है। मैं कई बार देखता हूँ और कोई वीडियो भी देखता हूँ इंजन का, इतनी सुपर इसकी स्टार्टिंग है, ऐसी किसी भी इंजन की स्टार्टिंग नहीं है। और मैं सर्विसिंग इसकी ऐसे ही करता हूँ, हालांकि स्टार्टिंग जो मैकेनिक रहता है वो बनाता है इसकी स्टार्टिंग कैसी होती है। बहुत से लोग के हैंडल घुमाते रहते। ये देखो इसमें सिर्फ कुछ नहीं दोस्तों, ये देखो दोस्तों ये दोस्तों, उसकी जितनी भी एमरी जो है करीब 1 मिनट बाद इसको बंद कर दिया अपन ने, तो पूरी एमरी वगैरह जो पीट वगैरह होगा सब इसके नीचे आ गया होगा। तो उसको खोल देते हैं हम। हर बार सर्विसिंग ऐसे ही बना करता हूँ दोस्तों।
अभी क्या देखो, देखो ये बिल्कुल पतला हो गया, ये करना बंद हो गया, तो उसको हवा का प्रेशर मार देंगे। साफ हो चुका है, इतना ऑयल निकल गया इसमें से। साफ करना दोस्तों, ये 3 लीटर ऑयल बनता है और 20W40 यही ऑयल बनता है दोस्तों ना। और भी ऑयल डाले ना, तो इस पे ऑयल ना जाए, पीछे दिख रहा होगा आपको, इस पे ऑयल ना जाना, इसलिए बहुत खतरनाक कंप्रेसर बनाता है ये। बैक कंप्रेसर मारता है, स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कभी उसमें मान लो ऑयल गलती से चला भी जाए ना, तो उसका ये नोजल को खोल के, इसका ये रॉड, इसको खोल के निकल जाता है यार। ये तो बहुत खतरनाक कंप्रेसर बनता है बैक कंप्रेसर। और दोस्तों इसमें 3 लीटर ऑयल बनता है। क्लियर हो गया, ऑयल अपना हो गया। ये मैक्सिमम का रहता है ये वाला, और ये मिनिमम का रहता है।
और जब इसको स्टार्ट करें थोड़ा सा क्या करें इसको ऐसे चला ले। देखो दोस्तों स्टार्टिंग इसकी